मोटिवेशनल मंत्रा में आपका स्वागत है। रफ्तार आपकी जीत नहीं, लगातार आपकी जीत है। रफ्तार से तो खरगोश दौड़ता है, पर जीतता हमेशा कछुआ ही है। एग्जाम्स आने वाले हैं, अब सारे काम छोड़ दो, लगातार बस एक चीज पर फोकस करना है। अपने दिमाग से सारी चीजों को हटाकर अपने दिमाग में बस एक चीज को रखना है। सारे कामों को अलग करके बस एक ही काम करना है और वो है पढ़ाई। दोस्तों, जो भी तुम्हारे पास टाइम है वो गोल्डन टाइम है। तरस जाओगे एक सेकंड के लिए कि काश थोड़ा और समय मिल जाए, तो मैं थोड़ा और पढ़ लूं। वही थोड़ा समय अभी आपके पास में है। ये तो आपके ऊपर है कि आप उस समय का उपयोग करते हैं या उस समय को भी बर्बाद करते हैं। ये टाइम अगर हाथ से निकल गया तो वापस कभी नहीं आने वाला। चाहे आप कितना भी कुछ क्यों ना कर लो, ये टाइम आपका वापस कभी नहीं आएगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। अब सारे ऐशो आराम को भूल जाओ, क्योंकि या तो अब आराम कर लो और बाद में पछता लो, या फिर अभी मेहनत करके बाद में आराम से रहना। अपनी नींद को कम करना होगा, अपने आलस को हराना होगा, क्योंकि पिछले 7-8 महीने में जो तुमने काम किए हैं उनकी भरपाई तो करनी ही होगी। रात को खाना कम खाओ ताकि आपको नींद ना आए और आप 1 घंटा ज्यादा पढ़ पाओ। पानी खूब से खूब पियो ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे और आपकी बॉडी फिट रहे और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाओ। अपने मोबाइल से सारी फालतू की चीजें हटाकर सिर्फ उन्हीं चीजों को रखना है जो आपकी पढ़ाई में मददगार होंगी। कोई दोस्त आपको टाइम पास करने के लिए बुलाए तो मत जाना, कह देना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है, मुझे अपने पापा के सपनों को सच करना है और इसलिए मुझे पढ़ना है। और दोस्तों, अब ये प्रश्न तो बनता ही नहीं है कि पढ़ने में मन नहीं लगता, अब तो प्रश्न ये बनता है कि 10-10 घंटे कैसे पढ़ें। किसी ने सच कहा है, मेरी तकदीर बदल देंगे मेरे बुलंद इरादे, मेरी किस्मत मोहताज नहीं मेरे हाथ की लकीरों की। आखिरी में बस एक ही बात कि जिस दिन आप अपने माँ बाप के आंसुओं की कीमत समझ गए तो आपको 10-10 घंटे पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मोटिवेशन मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर करिएगा। वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।